ये श्रेया है मलोन, मेरे साथ ड्राइवर नहीं है। बट सर, आपको तो उस एरिया का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सो यू टेल मी व्हाट वाज आई सपोज्ड टू डू, मैं क्या करता? मैंने ड्राइवर को 6 बजे आने बोला था, वो आया। बट सर, नो श्रेया, 6 sharp मींस 6 sharp, एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट टू मी। लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती है? एनीवे, आई कुडंट वेस्ट माय टाइम, तो मैं निकल गया। अच्छा, मुझे एक बात बताना, ये कॉन्फ्रेंस इतनी दूर देहरादून में किसने रखी है? आई मीन व्हाई नॉट दिल्ली? सर, दिस सेट की बहुत ही खूबसूरत जगह है। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस। ब्यूटीफुल, राइट, ब्यूटीफुल। एनीवे श्रेया, मेरे मंडे की मीटिंग्स का लाइनअप क्या है? यस सर, 11 o'clock। श्रेया, मेरे मंडे की मीटिंग्स का लाइनअप क्या है? आई एम आस्किंग यू समथिंग। हेलो श्रेया। ग्रेट, सिग्नल को भी अभी जाना। दिस इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ कॉन्फ्रेंस। आज ही ड्राइवर को लेट आना था, आज ही ये गाड़ी खराब होनी थी और आज ही सिग्नल जाना था। व्हाट अ कोइंसिडेंस। एक गाड़ी नहीं गुजर सकती इस रास्ते से। Stop, stop! Hello, excuse me! What's your problem? You have to help me out today, please. Come on, man, this can't be happening today. Please stop this time. Please stop. I need this one. Please stop, 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 stop. Please stop. Thank you, sir. Thank you for stopping. मुझे लगा था इसी जंगल में मरने वाला हूँ आज। Actually, मैं देहरादून जा रहा था और मेरी कार खराब हो गई। तो आप अगर मुझे हाईवे तक छोड़ सको तो मैं मैकेनिक के साथ वापस आ जाऊंगा। मैं मैकेनिक के साथ वापस आ जाऊंगा एंड यू कैन कंटिन्यू। तो तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारी कहानियां आज यहां खत्म होने वाली है? अगर तुम मर गए होते ना तो तुम्हें यह भी नहीं पता चलता कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। अरे डोंट वरी, इस बड़ी सी दुनिया में हम सब रास्ते ढूंढने ही निकले हैं। लिसन, हम तुम्हें यहां अकेले नहीं मरने देंगे। थैंक यू। गर्ल्स, वी हैव टू हेल्प हिम, इनकी गाड़ी खराब हो गई है। कम, कैन यू ओपन दिस? या श्योर। Did you check the oil? Can you just start once? Okay. I'm trying. I think तुम्हारी बैटरी गई। What? Yeah. और I don't think इस टाइम पे तुम्हें कोई मैकेनिक मिलने वाला है। So what now? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। तुम या तो इस कार में सो या हमारे साथ कैरी ऑन करो आगे। नहीं, सुबह आके देख लेंगे क्या करना है। Listen, it's impossible. मेरा देहरादून जाना बहुत जरूरी है। I've got a conference to attend and a speech to give. तो यहाँ पे मैं रात नहीं बिता सकता। It's impossible. Okay, but firstly, देहरादून वहाँ नहीं, उस तरफ है। So I was in the wrong way. Yes, and secondly, कल किसने देखा है? So it's up to you. You decide if you want to join us. You're welcome. Else, we don't know.
Shall we move? We should carry on. If you wish, you can come with us. Fine, I'll come with you. क्या? एक बात पूछूं अगर बुरा ना मानो? या पूछो। इस सुनसान जंगली रास्ते पर तुम टाई पहनकर मरने की सोच रहे थे क्या? I mean, odd नहीं लगता? I'm just asking. Yeah, I get your point. Listen, you can breathe. इस जंगल की हवा एक्चुअली काफी साफ है। ठीक है, तुम बस सामने देखो और हाथ हटाओ मत वहां से। I'll breathe. Hey, what happened? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है हम ओवर स्पीड कर रहे हैं? अरे प्लीज थोड़ा स्लो। मुझे स्पीड बहुत पसंद है। जब मैं स्पीड में गाड़ी चलाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा माइंड एकदम क्लियर हो गया। आई कैन थिंक बेटर। आई अंडरस्टैंड, तुम्हारे लिए ये सब कामिंग होगा ओवर स्पीड करना और बाइक तेजी से चलाना, पर मेरे लिए थोड़ा स्कैरी है, सो प्लीज थोड़ा स्लो चलाओ प्लीज। आई डोंट वांट एनी रिस्क्स। बाय द वे, आई एम दिशा। दिशा? Yeah, Disha, as in direction. Yeah, I get it. I'm Nakul. Nakul? Yeah. थोड़ा old fashion है, लेकिन ठीक है. Nice meeting you, Nakul. Thank you for the compliment and pleasure to meet you too. Come. बैठ जाओ. Girls, introductions. ये है नकुल, नकुल ये है निधि, हाय रिया, हाय पायल, दीप्ति, हाय दीप्ति, और मुझे तो तुम जानती हो। Of course. And we are fantastic five. We rule the rules. Okay, चाय? अंकल गर्मा गर्म चाय ला दी। अभी बना के देता हूँ। आटे वाले बिस्किट है क्या? हाँ है। मैं खारी लूंगी। तुम क्या लोगे चाय के साथ, बिस्किट या खारी? एक्चुअली मेरा कुछ भी खाने या पीने का मन नहीं कर रहा, सो थैंक यू। चाय भी नहीं? नहीं, यू कैरी ऑन प्लीज। वैसे तुम्हें रोड ट्रिप का एक रूल बता दूं, जो है अभी है, इट्स ऑल अबाउट राइट नाउ। अभी क्या मिल रहा है, That is the only thing that matters. और अभी ये है। अंकल क्या जादू है आपके हाथों में, कितनी अच्छी चाय बनाई है, एकदम कड़क। ले लो, एकदम ओरिजिनल है। हाँ बेटा, जर्म्स एंड ऑल। ओ, वैसे इससे ज्यादा जर्म्स तो तुम्हारे सेलफोन पर होंगे, तो उसको भी सैनिटाइजर से साफ करते हो? No, I use screen wipes for that. Wow. Excuse me. Sure.
अंकल जी, यहाँ पे कोई मैकेनिक मिलेगा? नहीं साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं मिलेगा। कम से कम 10 किलोमीटर दूर जाना होगा। हो गई तसल्ली? तुम्हें क्या लग रहा था हम सब तुम्हारा किडनैप करने वाले हैं? So we are right now here, and we should take this route. So, अब क्या प्लान? यहीं टपरी पर रात गुजारनी है या हमारे साथ चलना? So what's the plan? अगर कोई प्लान है भी तो देख नहीं रहा, ये हमारा कैंप साइट है, यहीं पे टेंट पिच करेंगे फॉर टुनाइट। Are you crazy? तुम ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं इस जंगल में इन टेंटों में रहूंगा? ओ हेलो, हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एंड यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू। तुम जाना चाहते हो तो जा भी सकते हो। अरे केयरफुल, इसमें बहुत सारे जम्स हैं। जगह जगह की खाक छान रखी इस बैकपैक में। Come on, stop it. Okay, fine. वो क्या है ना, तुम्हारी सैनिटाइजर यूज करने की आदत है और मेरी मजाक करने की। So, control नहीं होगा। Yeah, it's okay. इतना सारा सामान लेकर चलने से अच्छा होटलों में रहना नहीं है? एंड एवरी टाइम यू ट्रैवल तुम इतना सारा सामान लेकर चलते हो। आई मीन इजंट इट इनकन्वीनियंट? क्या आदमी है यार ये। तुम एक बात बताओ, तुम कभी कैंपिंग ट्रिप पे नहीं गए क्या? वैसे चलो अच्छा ही है, तुम्हें इसी बहाने एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि खुले आसमान के नीचे सोने का मजा क्या होता है। Yeah. Let me tell you one thing. तुम्हें देख के ना ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम कोई भी चीजें enjoy कर सकते हो। Thank you for the compliment. Wait, wait, wait. पहले इसे ऐसे push करते हैं, फिर hammer करते हैं। वैसे पायल की बात का बुरा मत मानना। वो तुम हमसे थोड़ा अलग टाइप के हो, so. Yeah, I know. ना तुम जैसा adventurous नहीं। सिर्फ एडवेंचर की बात नहीं है, यू नो लाइफ में हर चीज प्लान नहीं की जा सकती। कुछ चीजें बस हो जाती हैं, और उन्हीं अनप्लान मोमेंट्स को जीना, वही तो लाइफ का असली मजा है। पर ऐसी कोई गारंटी नहीं ना कि हर अनप्लान चीज अच्छी हो या प्लेजेंट। मुझे देख लो, कार ब्रेक डाउन हो गई, जहाँ जाना चाह रहा था वहां पे पहुंच नहीं पाया, और अब इस जंगल में अटका हूं। तो प्लीज टेल मी व्हाट इज गुड अबाउट दिस थिंग, इसको क्या कहोगी तुम? सी, यही तो एक फर्क है तुम में और मुझ में। तुम्हें तुम्हारी लाइफ का पहला कैंपिंग ट्रिप मिला है, एंजॉय दिस। तुमने कभी रात में दिल्ली में ऐसे खुले आसमान में देखा है? एटलीस्ट तुम्हें ये मौका यहां मिल रहा है। सी, लुक अप। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही। So, lesson number one, enjoy the moment. Yes, ma'am.
We are making noodles. Interested? Yeah, I don't mind. जागी हुई है कोई आरज़ू कहीं ना कहीं खोए हुए से है मैं और तुम करती क्या हो? I travel. Of course you travel. पर कमाने के लिए क्या करती हो? What do you do for a living? Oh, you mean job wise? Job. Well, waitress से लेके designer, kickboxing trainer, सब कुछ explore कर चुकी हूँ. But you know what? मैं ज़्यादा समय तक एक जगह टिक के नहीं रह सकती. I'm like a nomad. I think this is the best word. जो मुझे डिस्क्राइब कर सकता है नोमैड खानाबदोश. गर्ल्स नूडल्स रेडी हैं. और क्या निकुल बाबा टायर वायर बांध के सोने का इरादा है क्या? वैसे बॉस एक बात बताओ, तुम ये सूट बूट पहन के आखिर जंगल में जा कहाँ रहे थे? बताया ना, देहरादून जा रहा था. देहरादून जा किस लिए रहे थे? एक फेलिसिटेशन सेरेमनी और एक स्पीच अटेंड करने जा रहा था. ऐसा कौन है जिसे फेलिसिटेट करने और स्पीच सुनने तुम देहरादून तक जा रहे थे? एक्चुअली मुझे फेलिसिटेट किया जा रहा था और मैं स्पीच देने वाला था. अभी ना इतनी रात में इतनी लंबी लंबी तो मत फेंको. I mean तुम खुद का रास्ता तो ढूंढ नहीं सकते and दूसरों को क्या ज्ञान दोगे तुम? भाई तुम्हें सुनने के लिए दिल्ली से कोई क्यों बुलाएगा? Because I'm नकुल मेहरा. लोग मुझे सुनने के लिए लाखों खर्च करते हैं. My words are worth millions. Wait. तुम भी नकुल मेहरा हो? Entrepreneur of the year. Yes. The founder of one of the most successful startup. Yes. Wahi Nakul Mehra. To ab hi baat samajh mein ki log mujhe sunna kyun chahte hain. Chalo maan liya. Lekin ek baat batao, tumhare jaise sare log thode lost types ke hote hain? Excuse me. What do you mean lost? मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम में और मुझ में लॉस्ट कौन है, ठीक है? जब से मैं आया हूँ तब से तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो. बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, जैसे जंगलों में भटकने से या बाइक पे लॉन्ग राइड्स पे जाने से कोई एडवेंचरस या कूल नहीं बन जाता. यू आर नथिंग बट लूजर्स जो सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाते हो एंड फॉर नो रीजन एट ऑल. थोड़ा ज्यादा हो गया यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी. सॉरी. वैसे तो एक बात बता, तू इस मिस्टर एंटरप्रेन्योर का साइड कुछ ज्यादा नहीं ले रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम का दिल आ गया उस पे? कम ऑन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? व्हाट? लेट मी जस्ट टॉक टू हिम. पुअर गाय. पुअर गाय. Stop trying. इस जंगल में तुम्हें कहीं सिग्नल नहीं मिलने वाला. Sorry, वो सब ज़्यादा बोल गए. They were just having some fun. It's okay. Actually, मैं ही कुछ ज़्यादा बोल गया. Hey, listen, I didn't really mean that you guys are losers. It's fine. In fact, मेरे डैड के पास मेरे लिए एक ही वर्ड है. Same. But it's fine. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे डैड सही हैं? I mean, he's just concerned about you and your future. वो तो तुम्हारा भला ही चाहेंगे ना? I think हम सब फ्यूचर को लेकर इतने ज़्यादा वरीड हो गए ना कि हम आज को एंजॉय करना भूल गए. I look at life in a different way. लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ हम सब मिस करते जा रहे हैं. तुम अगर मेरी जगह होती तो शायद समझ पाती कि एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करना कितना इम्पोर्टेंट है. मेरी लाइफ का तो गोल ही है राइट टू अचीव एक्सीलेंस इन एवरीथिंग आई डू. बिकॉज़ द मेहराज नेवर फेल.
और इसी फेलियर का डर मुझे हर बार पुश करता रहता है अपने गोल को अचीव करने के। सेम गोल्स, टारगेट्स, यही वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम हमारी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक हमारी सोच बिल्कुल नहीं मिलती, सो मे बी वी शुड अग्री टू डिसएग्री। या यू आर राइट। एनीवे कल सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैकेनिक मिल जाए तो अच्छा होगा। हाँ तुम तो चाहते भी हो ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमसे पीछा छूट जाए। नो लिसन, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। आई डिडंट मीन दैट। सो इसका मतलब तुम हमारी कंपनी एंजॉय कर रहे हो? दिशा सुन, हम लोग टेंट में जा रहे हैं, ये मिस्टर एंटरप्रेन्योर को तू अपने साथ एडजस्ट कर लेना। देखा मैंने कहा था ना, लाइफ में कुछ भी प्लान नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले ये आसमान बिल्कुल साफ था और अब ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आने वाला है। Yeah, your lesson number one. Enjoy the moment. Exactly. Enjoy the moment. Feel करो। Close your eyes. जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय। जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल ने आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबरा निशा तूफान आने वाला है। बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी। वैसे तुम ये टेंट मेरे साथ शेयर करने में कंफर्टेबल हो? डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, तुम अपनी सोचो। तुम ये कंफर्टर यूज कर लो, मैं इस स्लीपिंग बैग में सो जाती हूँ और रात में थोड़ी ठंड ज्यादा होती है सो अच्छे से कवर करके सोना। अच्छा मैं ये वाली लाइट ऑन रखूंगी, रात को सांप वगैरह का डर रहता है सो। मुझे कोई सोते हुए देखता है तो मुझे नींद नहीं आती। भैया प्लीज जल्दी कीजिए। बस हो गया साहब। हो गया? हो गया। ओह दैट्स ग्रेट। ले लीजिए। थैंक यू। वेलकम सर। फाइनली मैं देहरादून टाइम पे पहुंच सकता हूँ। इस रास्ते से सर।
इस रास्ते से तो बहुत टाइम लगेगा आपको। मुझे लगता है शाम से पहले आप नहीं पहुंचोगे। नहीं, मुझे किसी भी हालत में 4 बजे से पहले पहुंचना है देहरादून। 4 बजे से पहले कोई तो रास्ता होगा? आप ऐसा करिए, ये जंगल वाला कच्चा रास्ता पकड़ लीजिए, यहाँ से जल्दी होगा आपको। ओके थैंक यू। आपको पता है ना वो रास्ता कितना रिस्की है? यू नो व्हाट, यू स्टिक टू द रोड। जो रोड ये बता रहे हैं ना, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। मैडम जी ठीक कह रही हैं, उस रास्ते पे 2 वारदातें हो चुकी हैं। लेकिन मैडम अब तो मामला ठंडा हो गया है। आपको ज्यादा पता है क्या भैया? नो, लिसन, मेरा टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है। और वैसे भी ये कह रहे हैं कि आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो आई थिंक आई विल टेक द चांसेस। थैंक यू, गुड लक सर। ओके, तुम्हारा नंबर तो दे दो। आई मीन आई चेक ऑन यू कि तुम हाईवे तक ठीक से पहुंचे कि नहीं। ओके। लगता है कल रात में बहुत कुछ हुआ है, नंबर एंड ऑल एक्सचेंज हो रहे हैं। नंबर? या 808 201 Cool. Thank you. All of you, thank you. आपने मेरी बहुत मदद की। So, I'll see you. One more thing. Sorry. क्या हुआ? Oh, jacket. Yeah, blazer. Thank you. Great. So the bad luck continues. ये सब आज ही होना था. Shit, man. कितनी बार समझाया भाई, कनपटी के पास मत मारा को। अबे मर मुरा जाता तो बैठे बिठाए नुकसान हो जाता अपना। अरे भैया आप भी बिना बात के टेंशन देते हो, देखो कितने आराम से सो रहा है। जेंटलमैन, अरे उठ जाओ भाई, तुम्हारी खातिरदारी भी तो करेंगे, उठ जाओ भाई। वैसे भैया मैकेनिक ने सही बोला था, कितनी मोटी असामी फंसी है इस बार तो फ्रॉथी मोटी है। चलो बे हाथ लगाओ, ला दो इसको गाड़ी। ये बच किस कर रहा है बे? ए ए ए ए डी आई एस एच ए आई, क्या लिखा है बे? ये दिशा भैया गर्लफ्रेंड का होगा। काट दिया फोन, काट दिया। चलो बे हाथ लगाओ इसको उठाओ।
मामला थोड़ा गंभीर लग रहा है यहाँ, निकलो बे। यार पहले रिंग जा रही थी, अब स्विच ऑफ बता रहा है। रिलैक्स यार दिशा, नेटवर्क का तो पता ही था और हम जंगल में हैं, यहाँ कहाँ से नेटवर्क आएगा। तू चाय पी। लिसन गर्ल, मैं जा रही हूँ नकुल को देखने, जस्ट टू मेक श्योर दैट ही इज फाइन। व्हाट? क्या यार दिशा, तू क्या पागल हो गई है यार, इस जंगल में सिग्नल्स नहीं होंगे, इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड वैसे भी तू कब से ऐसे बिहेव करने लगी यार? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो फिर सुन, हम सभी तेरे साथ चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग यहीं रुको, मोस्ट लाइकली होना वही चाहिए जो तुम लोग बोल रहे हो, बट जस्ट इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आई नीड यू गर्ल्स टू बैक मी अप। और हाँ, अगर मैं 2 घंटे में ना आऊँ तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? लौंडो कौन है बे? अरे भैया बोलो तो डबल शिफ्ट लगा ले। बकवास बहुत करते हो तुम, पता करो बे लौंडा हमारे इलाके में कैसे आ गया। ओहो भैया, जैकेट तो देखो लौंडे की, फुल स्टाइलिश और लेदर की है। अबे गाड़ी हटाता है कि निकालूं कट्टा। गुड्डू कहते हैं हम। भैया ये रेगिस्तान में फूल कहाँ से खिलाया? व्हाट टच कर रहे हो? अबे गुड्डू हाथ पीछे कर, चल वापस आ। ओ तेरी। क्या मैडम, क्या चाहिए आपको? देखिए भैया, जो आपके पीछे लड़का बैठा है वो मेरा दोस्त है, उसी को लेने आई हूँ। हाँ फिरौती की रकम दो और ले जाओ इसको। रकम मेरे पास नहीं है, ऐसा करो आप मुझे भी ले चलो। भैया मैं तो बोलता हूँ उठा लो इसको। नहीं बे, औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते हम, हमारी पॉलिसी में नहीं है। दिशा ये क्या हो रहा है? ए, पीछे मार देंगे हम। देखो भैया आपने उसे उठा लिया है, लेकिन कम से कम उसकी चोट पे दवाई तो लगाने दो। अरे भैया ये क्या नाप शनाप बोल रही है, हमने क्या यहाँ दवा खाना खोल रखा है क्या? चलो निकल लो अब यहाँ से। चलो मैडम। जो लगाना है जल्दी जल्दी लगाओ, टाइम नहीं है ज्यादा हमारे पास। आराम से। ए गुड्डू इसको ले जा। आराम से आराम से। मैं बिठा रही हूँ। आराम से बैठो, आराम से बैठो। दिशा तुम मुझे बताओ कि ये सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? You are kidnapped. क्या? मुझसे क्या मिलेगा इन लोगों को? धीरे बोलो। Relax, मैं हूँ ना। पायल और निधि ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा, वो लोग हमें यहाँ से बचा लेंगे, बस हमें थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। तुम इतनी काम कैसे हो सकती हो,
वो भी ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि मैं हर सिचुएशन को एक एडवांटेज। कट्टा नियम है। अरे आपको सराफत से समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या? कट्टा चला देंगे, बता दे रहे हैं। भैया 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 प्लीज प्लीज। दिशा तुम बेवकूफी कर रही हो, ये तुम्हारी कैंपिंग नहीं है, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, प्लीज यहाँ से जाओ। तुम देखिए मैम, आपके दोस्त बिल्कुल सही सलाह दे रहे हैं, चुपचाप निकल लो अब यहाँ से। देखो भैया, मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं इसके बिना नहीं जाऊंगी। अगर आप इसे लेके जाना चाहते तो मुझे भी लेके जाना होगा। भैया गाड़ी साइड पे रोकेंगे प्लीज, मुझे वॉशरूम जाना है। मैं थोड़ी देर रोके रहे। अरे भैया ये सब चीजें रुकती कहाँ है, प्लीज रोकिए ना। चुप कर भैया, देख लो नहीं तो मैं यहीं पे कर दूंगा आपके पीछे बैठे बैठे। अरे ए, ए, मेरे ऊपर कर देगा। ए, रोक रोक रोक, साइड में रोक, उतर जा जल्दी। आपको ये खोलना पड़ेगा, मैं करूंगा कैसे, जल्दी जाके आ। सूरज भैया इसे अकेले क्यों भेजा, साथ जाओ ना इसके। तू जाना साथ में। थैंक गॉड। शेर किसने बचा? और बनो इसके हमदर्द, फोन कर रहा था इसकी तो मैं। हाथ खोलो कट्टा। दिशा इधर, दिशा तुम गाड़ी चालू करो। ऐसे कैसे गलत है? हाँ मालूम है गलत। मेरा मोबाइल दे। मोबाइल मोबाइल गाड़ी में रख, ये तू अच्छा नहीं कर रहा, तू पीछे जा चला दूंगा मैं गोली। चाबी लेके जा रहा हूँ, I'm really sorry for this, I hope you don't mind। कट्टा मेरा, दूर हो जाओ, आगे मत आना, चला दूंगा मैं। अरे कट्टा यार, कट्टा, अरे by the way that cake was awesome। देसी कट्टा पकड़े हुए तुम भी बहुत क्यूट लग रहे थे। थैंक यू। Thank you.
पैदल पहुंच जाते। ओह माय गॉड। फाइनली देहरादून पहुंचते ही कॉल कर देना। देहरादून कौन जा रहा है? क्यों? तुम अभी भी स्पीच दे सकते हो, मतलब टाइम है अभी तुम्हारे पास। आई नो, पर तुम्हारी फ्रेंड सही कह रही थी, जिसे खुद को रास्ता पता ना हो वो दूसरों को रास्ता या गोल्स क्या समझाएगा। वो मजाक कर रही थी, यू नो दैट। आई नो, पर दिशा इन 24 घंटों में मैंने रियलाइज किया कि जिन चीजों को मैं इंपॉर्टेंट समझता था वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, they're actually worthless। दिशा तुमने मुझे सिखाया कि लाइफ में सिर्फ अचीव करना या अचीव करने के पीछे भागते रहना लाइफ नहीं, लाइफ इज अबाउट लिविंग इट टू द फुलेस्ट, खुल के जीना। योर रूल नंबर वन, एंजॉय द मोमेंट, और वो मोमेंट और भी एंजॉयबल हो जाता है अगर तुम्हारे साथ कोई वो मोमेंट शेयर करने के लिए हो तो। सो मिस दिशा, मेरी इस न्यू फाउंड जर्नी में क्या तुम मेरा साथ दोगी? Are you sure? हो सकता है तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो। हो सकता है, पर अगर ये गलती हुई तो मैं रिग्रेट नहीं करूंगा, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। सुन सदा